ओके लेट मी बिहेव लाइक अ स्टूडेंट फॉर अ मिनट. मनीष आई गॉट वीजा प्री रिफ्यूजल, दैट मीन्स एंड ऑफ द वर्ल्ड फॉर मी. अब यहाँ से तो कुछ भी नहीं हो सकता यार, वीजा का प्री रिफ्यूजल आ गया मुझे. वेल लेट्स क्लोज द स्टेटमेंट हियर. नाउ ऐसा कुछ नहीं होता है, यू हैव गॉट वीजा प्री रिफ्यूजल. आप खुद प्री रिफ्यूजल भी बोल रहे हैं एंड आप टेंशन भी ले रहे हैं. प्री रिफ्यूजल मतलब क्या होता है? दैट मीन्स इन माई वीजा प्रोसेस ड्यू टू एनी एक्स वाई जेड रीजन मैंने कोई स्टेटमेंट को कंप्लीट नहीं किया या मेरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे, इस वजह से मुझे वीजा का प्री रिफ्यूजल आया है. दैट मीन्स अगर मैं ये डॉक्यूमेंट सॉर्ट कर दूँ या ये मेरी प्रोसेस में ये एक्स काम कर दूँ तो मेरी प्रोसेस वापस कंटिन्यू हो जाएगी एंड देर आर इक्वल चांसेस कि मेरा वीजा अप्रूव हो सकता है. प्री रिफ्यूजल का काम ही वही होता है. एंड व्हाट वी थिंक इज प्री रिफ्यूजल मीन्स एंड ऑफ द वर्ल्ड. नो दैट इज नॉट ट्रू. सो स्टे विद अस इन दिस वीडियो बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको प्री रिफ्यूजल आया है तो किस रीजन से आ सकते हैं, पहले वो, एंड हाउ यू विल सॉल्व दैट प्रॉब्लम. सो वॉच द वीडियो टिल द एंड. ओके स्ट्रेट टू द पॉइंट, वीजा प्री रिफ्यूजल. प्री रिफ्यूजल मतलब क्या? रिफ्यूजल से पहले आपके पास एक और चांस है. मैं फिर से बोल रहा हूँ, डोंट पैनिक अबाउट द सिचुएशन, क्योंकि प्री रिफ्यूजल आता ही इसलिए है कि आप ये एक्स वाई जेड थिंग या ये ए बी सी डॉक्यूमेंट वापस सही करते हैं तो आपके इक्वल चांसेस है कि आपको वीजा वापस मिल सकता है. बट जब आप ये समझ गए कि आपको कुछ नहीं करना है इस चीज़ को लेकर, तो सबसे पहले स्टेप है डोंट पैनिक, फर्स्ट थिंग. सेकंड, टू स्टार्ट विथ, इस वीडियो की पहली स्टेप है इज टू रीड योर प्री रिफ्यूजल लेटर ट्वाइस थ्राइस. बिल्कुल थॉरोली समझिए कि आपको किस रीजन से आया है. आप बहुत ज़्यादा पैनिक करते हैं एंड आप ये भूल जाते हैं कि आपको क्या पढ़ना है, क्या समझना है उस प्री रिफ्यूजल लेटर से. सो फर्स्ट स्टेप इज टू अंडरस्टैंड योर रीजन ऑफ प्री रिफ्यूजल. अब प्री रिफ्यूजल किस रीजन से आ सकता है? वेल हियर ऑन द स्क्रीन ये सारे रीजन हो सकते हैं. दीज आर सम जनरल रीजन. इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन हैं जिसकी वजह से आपको प्री रिफ्यूजल आ सकता है. नाउ जब आपने रीजन देख लिए हैं कि किन किन रीजन से वीजा प्री रिफ्यूजल आता है, तो आप ये समझिए दैट देयर आर इक्वल चांसेस. बिल्कुल इक्वल चांसेस है कि आपको एक से ज्यादा रीजन से भी आ सकता है रिफ्यूजल. हो सकता है दे माइट से दैट योर फाइनेंशियल प्रोफाइल इज नॉट रिलायबल, आपके वो डॉक्यूमेंट्स इतने रिलायबल नहीं है. एट द सेम टाइम देयर वॉज नो क्लियर एविडेंस ऑफ फंड्स, दिस कैन ऑल्सो बी अ रीजन. और वो ये भी कह सकते हैं देर इज अ नेगेटिव आउटकम ऑफ योर वीजा इंटरव्यू. सो दो तीन रीजन मिलाकर भी आपका प्री रिफ्यूजल लेटर आ सकता है. ओके नाउ इफ यू हैव अंडरस्टूड कि आपको प्री रिफ्यूजल आ गया है, ये रीजन है, द फर्स्ट स्टेप, अगेन मैं थोड़ा सा रिपीट करूंगा, इज टू चेक योर प्रोफाइल. इसको बोलेंगे प्रोफाइल इवेल्युएशन. आपकी पूरी प्रोफाइल उठाइए, आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, क्या आपके कवर लेटर में आपने लिखा है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने वीजा के लिए सबमिट करे थे, सब सारे डॉक्यूमेंट्स उठाइए, उनको समझिए. वंस यू विल गो थ्रू योर प्रोफाइल, शायद आपको खुद ही वो मिस्टेक्स मिल जाएगी बिकॉज देर आर वेरी सिली मिस्टेक्स दैट वी मेक. तो सबसे पहले आपकी प्रोफाइल को आइडेंटिफाई करिए, पूरी प्रोफाइल पढ़िए, हो सकता है एक दो डाउट्स आपको खुद ही मिल जाए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एट द सेम टाइम जो मैंने आपको पीछे रीजंस बताए हैं, वेल इफ़ यू नीड अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन एवरी रीजन, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं. तो हम हर वीडियो, हर टॉपिक के लिए और हर रिफ्यूजल के रीजन के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो भी सॉल्यूशन के साथ ला सकते हैं. सो लेट अस नो इन द कमेंट फॉर दैट पार्ट. नाउ एज यू आर गोइंग थ्रू योर डॉक्यूमेंट्स, तो जब आपके डॉक्यूमेंट्स को आप रीविजिट कर रहे हैं, तो इफ़ यू आर कन्फ्यूज कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, उठाइए आपका कवर लेटर. सबसे पहले आपके कवर लेटर में एक फ्लो के हिसाब से मैं आपको बताऊं, तो हमारी ये दो वीडियोस भी आप चेकआउट कर सकते हैं अबाउट कवर लेटर. दिस इज अगेन, मैं फिर से वही बोलूंगा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट. एक अच्छा कवर लेटर बहुत कुछ डिफाइन करेगा, तो ये दो वीडियोस चेकआउट करिए. इसमें हमने बताया है कवर लेटर कैसे बनाना है एंड उसको बहुत अच्छा कैसे बनाना है. पोस्ट दैट आपके कवर लेटर में आप क्या पता करेंगे? अब लेट अस से कि मेरे कवर लेटर में बहुत सारी चीज़ें, उसमें से मैं आपसे बात करता हूँ कि मेरा मोटिवेशन क्या है इटली जाने का. व्हाट आर द एजुकेशनल बैकग्राउंड ऑफ माइन, एजुकेशनल बैकग्राउंड में क्या है, व्हाट इज़ माय मोटिवेशन, मैं क्या करना चाहता हूँ, इन शॉर्ट मैं इटली क्यों जाना चाहता हूँ, ये सब चीज़ें होती है कवर लेटर में. एग्री? नाउ व्हेन यू कंबाइन ऑल दोज थिंग्स, मेरा एक्सपीरियंस होगा, मेरा एजुकेशन हो गया, मेरे फ्यूचर प्लान्स हो गए, मुझे इटली क्यों जाना है, जब मैं ये चीज़ें कंबाइन करूँ तो मेरा जो कवर लेटर है इट शुड कन्विंस मी. आप वीज़ा के काउंसलर है, लेट अस सपोज आप वीज़ा के काउंसलर है सिटिंग देयर, मैं आता हूँ आपके पास फाइल लेकर, देन जो मेरी फाइल है, जो मेरा कवर लेटर है, इट शुड कन्विंस यू कि मनीष सिर्फ स्टडीज़ के लिए इटली जाना चाहते हैं. सिमिलरली जब आपका कवर लेटर आप लिखेंगे तो इट शुड कन्विंस मी. अगर मैं वीज़ा का काउंसलर हूँ आपका, तो मुझे आप कन्विंस करिए दैट द सोल पर्पस ऑफ मेकिंग दिस कवर लेटर और गोइंग टू इटली इज टू गेट माय स्टडीज डन फ्रॉम देयर. ये क्लैरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिलेवेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है. हमने बहुत सारी वीडियोज़ में रिलेवेंट का यूज़ किया है, मैं फिर से बोल रहा हूँ,
बहुत रिलेवेंट होना चाहिए, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, आपकी स्टोरी, दैट विल रियली डिफाइन कि आप कहाँ खड़े हैं आपकी वीज़ा प्रोसेस में. सो आपके डॉक्यूमेंट्स को देखिए एंड इट शुड कन्विंस दी अदर पर्सन कि आप सिर्फ स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं एंड ऑल थिंग्स आर वेरी रिलेवेंट इन योर प्रोसेस. नाउ अनदर मेजर थिंग इन योर प्रोसेस इज अबाउट स्पॉन्सर्स डिटेल, क्योंकि अगर आपको फंड से रिलेटेड कोई भी रिजेक्शन आ रहा है दैट मीन्स देर इज सम इशू विद स्पॉन्सर डिटेल्स. वो फंड्स भी हो सकते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं. तो जब आप स्पॉन्सर डिटेल्स को देखें तो ये तीन चीज़ें ध्यान में रखिएगा. हु इज योर स्पॉन्सर, वो क्या स्पॉन्सर कर रहे हैं, दैट इज योर व्हाट प्रोफाइल, और उनकी ओवरऑल प्रोफाइल में क्या आने वाला है, व्हाट आर द थिंग्स दैट आर देयर, सैलरी या किस बेस पर आ रहा है. एंड थर्ड इज वेयर इज द फंड कमिंग फ्रॉम, सोर्स ऑफ फंड्स क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है. ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कहाँ से आपके फंड्स आ रहे हैं ये चीज़ें आपको क्लियर रखना है. सो जब आप सोर्सेज ऑफ फंड्स देखेंगे या स्पॉन्सर की डिटेल्स देखेंगे तो मेक श्योर कि ये चीज़ें बहुत क्लियर हो, बिल्कुल विजिबल होना चाहिए, बिल्कुल विविडली मुझे दिखना चाहिए कि ये स्पॉन्सर कर रहे हैं, ये चीज़ें स्पॉन्सर कर रहे हैं, ये इनका सोर्स ऑफ फंड है एंड दिस इज हाउ दे विल अकोमोडेट दिस एक्स पर्सन और दिस एक्स स्टूडेंट इन इटली फॉर नेक्स्ट 3 years और 4 years. स्पॉन्सर की डिटेल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं, आपके एक्सपेंसेस की डिटेल्स बिल्कुल क्लियर एंड विविडली विजिबल होनी चाहिए. नाउ अनदर थिंग इज अबाउट योर इनकम, वो आपके ITR में आपके एक्सपेंसेस और ये सब जो आप ओवरऑल प्रोफाइल बता रहे हैं आपके इनकम और ये सब को लेकर, तो ये आप कैसे बता रहे हैं. लेट अस से एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं. मेरी जो मंथली इनकम है वो आप ये समझिए कि यार मेरे पास 30,000 की एक जॉब है, आई हैव दैट ओनली, और मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं 12 lakh का लोन लेकर पे कर दूंगा. You know the answer. It doesn't make sense. आप वीज़ा काउंसलर को तो छोड़िए, आप खुद ही मना कर देंगे कि मनीष आप नहीं कर पाएंगे. सिमिलरली ये इतना बड़ा डिफरेंस आपके इनकम में, आपके एक्सपेंसेस में, दिट शुड नॉट बी देयर. मैं एजुकेशन लोन कैसे पे करूँगा 12 lakh का अगर मेरी मंथली इनकम ही 30-40,000 रुपये है. तो फर्स्ट थिंग, एक और आपको एग्जाम्पल दूँ तो लेट अस से रिलेवेंसी होनी चाहिए, अगेन वही वर्ड आने वाला है. क्या है सेकेंड एग्जाम्पल कि लेट अस से कि मेरी जो ईयरली इनकम है दैट इज़ 12 lakh रुपीज़, मेरा सब बिजनेस है या कैसे भी करके, लेट अस से बिजनेस ही है, मैं 12 लाख कमाता हूँ बिजनेस से एंड मैं ITR फाइल कर रहा हूँ सिर्फ 4 lakh रुपए का. दिस ऑल्सो इज रॉन्ग. मेरी जितनी इनकम है उतने का तो मैं ITR फाइल ही नहीं कर रहा हूँ. देर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस. मैं कम थोड़ी फाइल कर सकता हूँ ITR. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. सो ये जो डिस्क्रिपरेंसीज है, ये जो डिफरेंसेज है इतने सारे, दिस ऑल्सो मेक्स योर प्रोफाइल वेरी डाउटफुल. सो ये ध्यान रखिए कि सब रिलेवेंट हो, सबका कनेक्शन हो. ऐसा ना हो कि इनकम इतनी है, एक्सपेंसिस इतने बता रहा हूँ मैं, या मेरी इनकम इतनी सी और मैं बता रहा हूँ कि इतना पे कर दूंगा. This will cause a lot of problem in your profile. So इस बात को ध्यान रखें, relevancy पे ध्यान दीजिए कि आपके income, आपका education loan सब करके एक ऐसी profile बनाइए जो मुझे इस बात पे convince करे कि हाँ आप pay कर सकते हैं और आपकी अभी तक की जो profile है वो बिल्कुल safe है. This is very 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 important. Now the next is, this is my personal favorite. मैं बिल्कुल कहूँगा कि यार मैं WhatsApp groups में joined हूँ, I am on Telegram और उसमें भी कुछ groups है जहाँ मैं joined हूँ. And they are telling you प्री रिफ्यूज़ल के बाद आपको वीज़ा आ ही नहीं सकता. Shut the door there. बंद कर दीजिए वो आपके ग्रुप्स, बिकॉज यू cannot rely on that information. They are not reliable source of information at first. अगर आपको कोई ये बोल रहा है कि इस एक्स रीज़न के बाद तो आपका वीज़ा अप्रूव हो ही नहीं सकता या इस प्रोसेस में आपको ये करना है, तो दिस इज़ नॉट ट्रू. आप मतलब आप कैसे rely कर सकते हैं someone who is completely new, जो student है वो आपको advice दे रहे हैं. So there are equal chances कि you might get on the wrong track. आप वो वीज़ा प्री रिफ्यूज़ल को सॉल्व करने के चक्कर में कहीं और ना अटक जाएं. मे बी उसका रास्ता बिल्कुल स्ट्रेट था एंड यू टुक द रॉन्ग वे टू रीच दैट पोजीशन. सो जो टेलीग्राम ग्रुप्स में चल रहा है, जो इंटरनेट पर आप किसी के आर्टिकल में पढ़ रहे हैं, इफ़ दैट इज़ रिलायबल तो ही भरोसा करें. सोर्स देखिए कि कहाँ से वो इन्फॉर्मेशन आ रही है. टेलीग्राम ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स हो गए आपके, इन पर रिलाय ना करें. दे आर नॉट रिलायबल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन. सो जो इन्फॉर्मेशन सही है उसी पर रिलाय करें. डू नॉट पैनिक टू मच कि अब तो प्री रिफ्यूज़ल आया तो वीज़ा हो ही नहीं सकता. सबका केस सेम नहीं होता है. सो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें. अनरिलायबल सोर्स को, अनरिलायबल इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा कंसिडर ना करें. नाउ अनदर थिंग जो आपने इन ग्रुप्स में शायद सुनी होगी इस कि आपका कवर लेटर एक ही पेज का होना चाहिए. वेल दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू. इन केस इफ़ यू हैव इनफ इन्फॉर्मेशन टू प्रोवाइड, आपकी इन्फॉर्मेशन अगर ज़रूरी है तो इट इज़ कम्प्लीटली फाइन. बिल्कुल हमारे एक्सपीरियंस के बेस पर बोल रहा हूँ, हमारे बहुत सारे वीज़ाज है उसके बेस पर मैं आपको बोल रहा हूँ दैट 1.5 पेज का भी आप अगर कवर लेटर बनाते हैं इट इज़ कम्प्लीटली फाइन. आप डेढ़ पेज का कवर लेटर बना सकते हैं, हमने हमारी सारी वीडियोज़ में भी बोला है. डेढ़ पेज का आप कवर लेटर बना सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आप रखिए, बिकॉज इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो वो कवर लेटर किसी काम का नहीं है. एट द सेम टाइम इन केस अगर आपकी जो फाइनेंशियल प्रोफाइल है बहुत लंबी है, देर आर सो many things going on in your financial profile,
इस सिचुएशन में फाइनेंशियल के लिए आप एक जस्टिफिकेशन लेटर बनवा सकते हैं, वो फंड जस्टिफिकेशन लेटर कह सकते हैं उसे आप। उसमें आप बताइए कि मेरी ये कहानी है जहाँ से मेरे फाइनेंसेस आ रहे हैं, इनकेस अगर बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है और आप कवर लेटर में नहीं लिख पा रहे हैं तो आपको वो फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन लेटर बनवाना है और उसके साथ सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो अटैच करके एज अ प्रूफ देना है। दिस इज़ वॉट यू नीड टू डू। डो नॉट रिलाई ऑन अनरिलायबल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ग्रुप्स और एनी वेयर दैट यू विजिट ऑन इंटरनेट। नाउ द लास्ट थिंग इन दिस वीडियो इज कैन बी ऑफ गैप ईयर्स टू। लेट अस से कि मेरे बैचलर्स और मास्टर्स के बीच में 4 साल का गैप है। आई गॉट टू डिफाइन दैट। मुझे वो बहुत सारी वीडियोज में हमने पहले बोला है, बहुत बार बोला है कि आपको जो आपकी गैप ईयर्स हैं उनको जस्टिफाई करना है। लेट अस से मैं 4 साल के वो गैप को लिया था मैंने, बट मैंने वो 4 साल में क्या किया है? डिड आई डू एनीथिंग प्रोडक्टिव? हाँ, मैंने वो 4 साल जॉब करी है तो मुझे वो वर्क एक्सपीरियंस शो करना है। आई हैव डन अ कोर्स, शो करिए। आई हैव डन समथिंग इन्फॉर्मेटिव, समथिंग दैट आई हैव लर्न समथिंग फ्रॉम, ऐसा कुछ किया है, वो सब आपको डिफाइन करना है, आपको जस्टिफाई करना है कि आपके वो 3-4 साल की गैप में आपने क्या किया है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो शो करता है दैट यू आर डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव या कुछ अच्छा कर रहे थे। सो चांसेस आर कि वो आपको आगे भी कंसिडर करेंगे उनके कोर्स के लिए। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये चीज़ का भी ध्यान रखिए कि आपकी आप गैप ईयर्स को अच्छे से जस्टिफाई कर रहे हैं। सो यस, दिस वॉज ऑल इन दिस स्मॉल वीडियो, नॉट सो स्मॉल वीडियो, एक्चुअली काफ़ी लंबा हो गया है, नाउ आई रियलाइज्ड। बस इस वीडियो में इतना ही था। आप चाहते हैं कि हम एक रीज़न को कवर करें, हर एक रीज़न को कवर करें, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। आप बताइए किस रीज़न पर चाहते हैं, उसका सॉल्यूशन लेकर हम आ जाएंगे। स्कॉलरशिप्स पर, वीज़ास पर बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली है, उसके लिए स्टे ट्यून्ड एंड यस सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।